भाइयों, सतरंगा के सुंदर सतरंगा इसकी सुंदर जगह में बैठ के मैं आज अपने अपने YouTube चैनल का पहला गिव अवे दे रहा हूँ। वेलकम टू सतरंगा ब्लॉग पार्ट टू। उस समय हमने ठीक वेलकम नहीं कर पाया, तो बताओ कैसे प्लान बना सतरंगा जाने का? दोबारा जल्दबाजी में बन गया और अचानक से ये इनोवा बुक कर ली हम। नहीं गप्पू उधर हमारे लिए नाश्ता सब जुगाड़ करवा रहे हैं। सब नाश्ता कर रहे हैं। इधर मामी बैठी हैं, इधर चाची बैठी हैं, इधर दीदी बैठी हैं और आज सतरंगा में पूरा फाड़ देने वाले हम लोग। क्यों गप्पू? इधर मामा भी हैं। तो चलो अब मिलते हैं हम लोग सतरंगा में। 3 2 1 सेकेंड। अच्छा खासा सिनेमेटिक बनाने की सोच रहा हूँ और थोड़ा मास निकाल दे तो कुछ बोल पाएगा। ऐसे फोको लोग ऐसे खड़ा कह रहे थे आप कुछ बोला करना कैमरे तो बनाते हो। मैं तो बोल दिया, बोल क्यों बोलने बोल बोल सभी अंदर जाने और वोटिंग करेंगे। वो पिछले बार भी क्यों कह रहे थे, फिर से क्यों कर रहे? अभी और लोग आए ना, उन्होंने कर रहे। तू क्यों जा रहे थे, क्यों जाना है फिर? क्योंकि फिर 4 सीटर है, 8 सीटर। हाँ तो सोनू वहाँ हम लोग के हमारे जूते चप्पलों की पहरेदारी करेगा और गप्पू भी उनके साथ, गप्पू भी साथ रहेगा और हम लोग सब भी है, सबके जूता का कुछ है। हाँ सही बोला, सबका जूता देखो गंदा है। कट होगा कट। दीपक गया, कैसी लगी जगह? मस्त, बहुत अच्छी। बाहर के लोग आके ऐसे बोलते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, आप तो जानते ही। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे। बोटिंग वोटिंग का टिकट विकेट बुक करा रहे हैं। बाकी सतरंगा में मौसम बहुत अच्छा है और एकदम सही मौसम ने पकड़ा। उस समय जब हम लोग आए थे तब ठंडी का मौसम था और उतना अच्छा कुछ माहौल नहीं था, पर आज बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी भीड़ नहीं है। हाँ और ऐसे मौसम में बोटिंग करने का तो मज़ा डबल हो जाएगा। और शायद इधर पे ये जो बीच पे जो दिख रहा है ये शायद एक रेस्टोरेंट है, पर देखते हैं वहाँ जाके पता चलेगा वो तो। और बस इन्जॉय करो यार मेरे साथ ब्लॉग को, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और शायद इसी वीडियो में गिव अवे करने वाला हूँ मैं, तो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। हमारा नया दोस्त, हेलो हेलो, हेलो कोई बोल दे, हेलो कोई बोल दो। जो बाबू आया था गप्पू को इतना पसंद आ गया, गप्पू बोलते नंबर दे, क्यों गप्पू नंबर दे, नंबर दे क्यों? हमारी बोट नहीं आई अभी और हम लोग ये खड़ी हुई बोट में बहुत देर से बैठे हुए और चिप्स विप्स मंगाए हैं, बाकी पता नहीं अभी आने मिलता है। दिख रहे चिप्स, वेटिंग हॉल है बोट, जो ये वेटिंग हॉल भी ऐसा है जो पानी में ही है, क्यों सोच सही बोलो। और हसदेव ये जो पानी है इसकी मैं हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ कि ये पानी यहाँ आया कैसे और मतलब इतना इतना बड़ा ये समुंदर जैसे कैसे बन गया, पता चलता है बताता हूँ आप लोगों में। तो भाइयों सतरंगा के सुंदर सतरंगा इसकी सुंदर जगह में बैठ के मैं आज अपने YouTube चैनल का पहला गिव अवे
दे रहा हूँ। शुरू में मुझे बड़े शौक से देख रहे हैं क्योंकि इनके लिए भी सरप्राइज है। तो जिस दिन इस वीडियो में 500 व्यूज और 150 लाइक्स आ जाएंगे उस दिन मैं किसी भी 5 व्यूअर्स को 30-30 रुपए का कैश पेटीएम कैश गिव अवे करने वाला हूँ। तो इसको जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। 500 व्यूज़ की बात है, ज़्यादा की बात नहीं, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर हैं और मेरे को भी पता है कि 1000-2000 व्यूज़ इतनी जल्दी नहीं आते हैं। तो जिस दिन मेरे इस वीडियो पे 500 व्यूज़ आ जाएंगे उस दिन इन्हीं 5 व्यूअर्स को मैं 30 रुपये पेटीएम कैश गिव अवे करने वाला हूँ। और अब आप तो समझ रहे हो ना, चैनल ज़्यादा बड़ा नहीं है। और तो अभी 30 रुपये चला दो, आगे जाके और बड़े बड़े गिव अवे करेंगे बहुत सारी चीज़ों के। तो गिव अवे का मतलब वो, इसके लिए आपको करना है एक कमेंट कर देना है, जो भी मेरे को 5 कमेंट सबसे अच्छे लगेंगे, और अपनी इंस्टाग्राम आईडी छोड़ देना, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर अगर आप छोड़ देंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आप इंस्टाग्राम आईडी छोड़ देना, फिर हम लोग डीएम में बात कर लेंगे। और जिस दिन इस वीडियो में 500 व्यूज हो गए उस दिन गिव अवे पक्का। चलो फिर चलते हैं आगे। वाले हैं उनको तो पता ही होगा, बाकी जो बाहर से देख रहा है मेरा वीडियो, पता नहीं देखते भी हैं कि नहीं, पर देख रहा होगा अगर, तो उनको बता दूं कि ये पानी बांगो डैम से है। बांगो डैम कोरबा का एक डैम है बहुत बड़ा, तो वहाँ का ये पानी है। और सोचो ये मतलब पानी इतना सारा है तो डैम कितना बड़ा होगा बांगो डैम। हाँ मैं बोल रही हूँ। और तो सोनू कुछ बोलना है मेरी टोपी के लिए? सोनू बोल रहा है कि अपनी टोपी को गिफ्ट कर रहा है। थैंक यू। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ज़्यादा झूला याद है कि नहीं, कितना झूला करते थे झूला झूल भी पार के उसमें। ये सब यादें भी बहुत याद आती है, लेकिन उस समय ये सब ब्लॉग व्लॉग का चक्कर नहीं था, तो इसलिए वो ऐसा कुछ रिकॉर्ड, उस समय तो वो मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, मेन बात तो ये है। तो सतरंगा धीरे धीरे बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रहा है, तो अपनी फैमिली को लेके यहाँ आइए, कोई भी बाहर से आता तो उनको लेके आए यहाँ आइए, और मेरा ब्लॉग जरूर दिखा देना, हो सकता है वो गिव अवे के विनर आप हो जाएं। चलो उठते हैं और थोड़ी पेट पूजा करते हैं। जिसको गूगल मैप पे विश्वास नहीं है वो यहाँ से यहाँ का दूरी चेक कर सकता है। रायपुर से 250 किलोमीटर दूर है सतरंगा, अंबिकापुर से 187, कटघोरा से 60, और बाकी नीचे देख सकते हो आप लोग, और बूका जलाशय, रानी झरना, देव फैरी, बांगो डैम और केंदई फॉल्स यहाँ के, यहाँ से नज़दीक है मतलब 17 किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो यहाँ से भी जा सकते हो। कोरबा और जानकी चांपा यहाँ से नज़दीक हैं, और नज़दीकी हवाई अड्डा तो सिर्फ रायपुर है, वो तो छत्तीसगढ़ में एक ही है, तो आप सब जानते हो। अभी बिलासपुर में ही बन गया पर यहाँ पे ये पुराना बोर्ड है इसलिए यहाँ नाम नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। And are you thinking about me?
नहाने का कार्यक्रम हो गया। उसके पहले हम लोग दही बड़ा बड़ा खाने गए थे, एकदम देहाती बड़ा मिलता है यहाँ पे सतरंगा के पास, जिसको आगे खाना खा लेना, छत्तीसगढ़ का स्पेशलिटी है। दीपक जी आपको कैसा लगा? बड़ा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे बनाए थे वो। यहाँ का ये खासियत है, लोग यहाँ का खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। चावल भी कितनी अच्छी थी। हाँ, दाल चावल खाए, घर जैसा दाल चावल लगा भाई एकदम, मतलब होटल का खाना भी फेल है वैसे दाल चावल। 50 रुपए में फुल प्लेट भी थी। 50 रुपए में फुल प्लेट, जितना खाना है उतना खाओ, खाना वो उतना खा सके। तो ये है हमारे सतरंगा का खासियत। और ये देखो नेचुरल ब्यूटी तो आप लोग देखे ही होंगे, ये देखो। तो चलो देखते हैं अब आगे जाके कहाँ रेस्टोरेंट में खाना ना खाते हैं। अभी तो थोड़ा यहाँ बैठ के चिल मारेंगे, थोड़ा ब्लॉग थोड़ा साइड में रखते हैं, थोड़ा परिवार के साथ भी समय बिताते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। क्यों जी दीपक जी? हाँ चलो इसके लिए इंतजार कीजिए आप। हाँ थोड़ा इंतजार कीजिए। तो कोरबा के जितने भी वासी हैं और जितने भी लोग कोरबा में बड़े हुए हैं वो ये गार्डन तो पहचान ही रहोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो समझ गए हैं वो कमेंट करके बताओ, है ना सुनो। थोड़ा और आपको हिंट देते हैं, देखो ये ट्रेन, ये ट्रेन तो सब लोग को याद होगी, बहुत एपिक ट्रेन है। कभी चलती है कभी नहीं चलती। आज का व्लॉग अपन यही एंड कर रहे हैं, और मैंने तो आपको गिव अवे के बारे में बता दिया। जैसे इस वीडियो में 500 व्यूज आएंगे गिव अवे खुल जाएगा, और मैं कमेंट देखूंगा जो भी कमेंट मेरे को बेस्ट लगा उसको मैं 50 रुपये, और उसमें मुझे 1 रुपये भाई 50 रुपये क्या बोल रहा है। तो चलो 3 लोग को 30 रुपये, 2 लोग को 50 रुपये, ठीक। तो मैं गिव अवे करूँगा पेटीएम कैश। तो अपना इंस्टाग्राम आई डी मुझे जब भी कमेंट करोगे तो उसमें छोड़ देना, ठीक है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो और बहुत घूम लिए आज सुबह, आज बहुत सुबह से बहुत बहुत घूम लिए, और थक गए, पता नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे सेफ, बाय।